नमस्कार दोस्तों, आज के लेसन में आप सभी को वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, 14 नवंबर को हमारे देश में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इस दिन को बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हालांकि आजकल इसका चलन काफ़ी लगता है कम हो गया है, बल्कि दूसरे डेज़ वैलेंटाइंस डे और वगैरह वगैरह, फादर्स डे, मदर्स डे ज़्यादा हो गए मनाए जा रहे हैं। शायद वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, बट हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे हैं वही देश का भविष्य होते हैं, और इसलिए हर माता पिता का ये कर्तव्य होता है, कोशिश होती है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चों को अच्छी सेहत का उनके ध्यान रखें, अच्छी शिक्षा दें। और उसी तरह से जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, थोड़े गरीब हैं, या जो इवन ऑर्फन्स हैं, माँ बाप नहीं हैं जिनके, तो उनके प्रति भी समाज का और देश का कर्तव्य है कि वो उनको भी एक बेसिक एमिनिटीज़ मिले, उनको अच्छी एडुकेशन मिले, जिससे वो बड़े होकर अच्छी राह पे चलें, देश के अच्छे नागरिक बन सकें और देश की उन्नति प्रगति में अपना योगदान दे सकें। तो इसी भावना के साथ मैं आपको इस दिन की तैयारी के लिए एक तरह से एक आज चिल्ड्रन सॉन्ग शेयर कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कुछ बच्चों के गीत के लेसन बनाए थे, आपने देखे भी होंगे, और अभी 14-15 दिन का समय है, तो जो लोग किसी स्कूल से जुड़े हों या किसी कार्यक्रम, बच्चों के किसी कार्यक्रम में जिनको शिरकत करने का मौका है, वो इस गीत को सीख कर बजा सकते हैं। ऐसे ही एकाध गीत और भी मैं लाने की सोच रहा हूँ, और मेरे पुराने लेसन्स तो हैं ही आपके साथ। तो चलिए, आज का जो बच्चों का सॉन्ग है, बच्चों के सॉन्ग जनरली इजी होते हैं, और वो इसलिए कि बच्चे भी उनको गा सकें। तो जो लोग बिगिनर्स होते हैं उनसे मेरी उनको सलाह यही होती है कि आप सरगम वगैरह सीखने के बाद नर्सरी राइम्स एक दो बजाएं, दो चार, तो उससे वो बहुत सिंपल होते हैं, शुद्ध स्वरों पे बज जाते हैं मेजर स्केल पे, और उसके बाद आप बच्चों के गीत ट्राई कर सकते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, फिर आप और एडवांस्ड गीत ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, आज का सॉन्ग शुरू करते हैं। ये 1971 की एक फिल्म थी अंदाज, उसमें शम्मी कपूर जी के ऊपर फिल्म आया हुआ है, रे मम्मा रे, काफ़ी पॉपुलर हुआ था और सबने सुना भी होगा। तो इसको सी स्केल के हारमोनिका के हिसाब से इजी नोटेशंस में दे रहा हूँ आपको। सुन लो, सुनाता हूँ तुमको कहानी। सी जो प्रॉपर सी का नोट है उसको सा मानते हुए वहाँ से हम लोग इसको सॉन्ग को शुरू कर रहे हैं। सा ग ग सा ग ग सा ग ग मा ग रे, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी, नीरे रे नीरे रे नीरे रे ग रे सा। ये नी यहाँ पे लोअर ऑक्टेव का शुद्ध नी है। तो ये दो लाइनें, उसके बाद रे मम्मा रे मम्मा रे, सा ग ग सा ग ग मा ग रे मा ग रे। तो आप देखिए, जो बोल है वो रे मम्मा है, रे मम्मा, लेकिन हम लोग बजा रहे हैं सा ग ग सा ग ग सा ग, इस तरह से मा ग रे। नेक्स्ट रे मम्मा थोड़ा सा चेंज होगा, रे मम्मा रे, नीरे रे नीरे रे गरे सा, तो एक नोट और नीचे के स्वर आ जा रहे हैं। तो ये हो गया इसका मुखड़ा। अब इसके बाद जो इंटरल्यूड में दो तरह का म्यूजिक है, लेकिन मैं आपको एक
म्यूज़िक दे रहा हूँ, नोटेशंस जो बहुत ही माउथ ऑर्गन पे बजाना आसान भी है और बहुत सुरीला भी लगता है। पाधा नीधा पाधा पा मगरे नी सरे गमा पसा पाधा नीधा पाधा पा मगरे नी सरे गमा पसा। तो ये दो बार आप इसको बजाइए, उसके बाद अंतरा। हम तो गए बाजार में लेने को लट्टू, हम तो गए बाजार में लेने को लट्टू। पा धनी धा मा पा मा हम तो गए पा धनी धा बाजार में मा पा मा लेने को ग मा ग ग सा। दो बार इस लाइन को बजाइए, उसके आगे लिरिक्स सेम है लेकिन स्वर थोड़े नीचे आ जाएंगे। हम तो गए बाजार में लेने को लट्टू, सा ग ग ग सा ग ग सा ग ग मा ग रे सा ग ग ग सा ग ग सा ग ग मा ग रे। लट्टू वट्टू कुछ न मिला पीछे पड़ा टट्टू, नी रे 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 नी रे 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 नी रे 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 गरे सा। तो बस इतना ही सॉन्ग है, ये सॉन्ग कंप्लीट हो जाता है, कितना सिंपल है आप देखिए। तो एक बार मैं आपको बजाकर दिखा देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। बस इतना ही सिंपल सा सॉन्ग है, बहुत जल्दी आप लोग सीख जाएंगे और किसी भी बच्चों के प्रोग्राम में आप बजा सकते हैं, सबको पसंद आएगा। और चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फिर एक अच्छे से गीत के साथ। एक आध चिल्ड्रन सॉन्ग मैं और भी करना चाहूँगा, पहले भी मैंने किए ही हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, जो आपको पसंद है एक दो गीत आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।